हेलो एवरीवन, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट अ पोम, पोम नंबर टू, आपकी ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पोम नंबर टू। और पोम का नाम क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इट वाज कंपोज बाय स्टीफन स्पैंडर। स्टीफन स्पैंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टीफन स्पैंडर एक इंग्लिश पोएट थे और एक एसिस्ट भी थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड का बिना ही डिग्री लिए हुए। वो बर्लिन में चले गए थे 1930 में। स्पैंडर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और उन्होंने अपने आप को बोला था कि वो एक सोशलिस्ट हैं और एक पैसिफिस्ट हैं। पैसिफिस्ट होता है कि जो वॉयलेंस में बिलीव नहीं करता, वो शांति प्रिय होता है, तो शांति प्रिय को पैसिफिस्ट बोलते हैं। उन्होंने खुद ही बोला है। जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो उसमें क्या है, पोयम ऑफ डेडिकेशन, एज अ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ अ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के थ्रू उन्होंने कंसंट्रेट किया है सोशल इनजस्टिस और सोशल इनइक्वालिटीज़ के थीम पर, मतलब कि जो सामाजिक अन्याय है और सामाजिक जो असमानता है लोगों में, उसको उन्होंने शो किया है इस पोम के थ्रू। और पोम के बारे में जान लेते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम जो है, ये इनका एक वर्क था द गॉड दैट फेल्ड, उसमें से ली गई पोम है। ये एक लिरिकल पोएम है। इसमें छोटे बच्चों की बात करी है इन्होंने, और इन्होंने जो स्लम में रहते हैं, जो उनकी दुखों से भरी हुई ज़िंदगी है, उसके दिखाया है इन्होंने इस पोम के थ्रू। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को भी दिखाया है और सिग्निफिकेंस दिखाई है एक टीचर के रोल की इन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। चलिए पोम स्टार्ट करते हैं और पोम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फार फ्रॉम फोम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। बच्चों, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप एक पेपर और पेन लेके हमेशा बैठा करिए, क्योंकि मैं जब आपको स्टैंजा पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेनेशन करूँगी, उसके बाद सारी इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारी पोएटिक डिवाइसेज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए। Like rootless weeds, the hair torn round their parlor, the tall girl with her weighed down hat, the paper seeming boy with rat eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father gnarled sees his lesson from his desk, at back of the dim class one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels games in tree room other than this। पहले इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गस्टी वेव्स मीन्स जो ब्रीजी विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स एनर्जेटिक, पार्लर मीन्स डल फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, स्टंटेड मीन्स जो फुल्ली ग्रोन नहीं हुआ है क्योंकि मल न्यूट्रिशन की वजह से, नाल का मतलब होता है नोटेड या रब, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट जो कहीं भी अपनी मर्जी से पैदा हो जाते हैं, पेपर सीमिंग बॉय मीन्स वेरी थिन बॉय एज लाइक एज सीट ऑफ पेपर, और हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी सक्सेसर। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, वो कहते हैं इन बच्चों के फेस से तो बहुत दूर हैं वो एनर्जी भरी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, इन बच्चों तक तो वो ताज़ी हवाएं, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स पहुंच ही नहीं पाती। लाइक रूटलेस वीड्स, और ये तो ऐसे हैं जिनकी कोई रूट नहीं होती, मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई उनको चाहता नहीं। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिस तरीके से, इस तरीके से हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पार्लर, वो बोलते हैं कि जो उनके बाल हैं वो उनके फेडेड फेस पे अनकोम्ब्ड ऐसे ही पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, और एक लड़की बैठी है, लंबी लड़की, अपना सिर नीचे डाउन करके, वजन से उसका सिर नीचे है। क्यों है उसका सिर नीचे? क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ, इस वजह से उसका सर नीचे है। टॉल गर्ल हो सकता है ये कि सबसे बड़ी भी क्लास की लड़की हो, क्योंकि बच्चे छोटी एज में जो थोड़ा बड़ा होता है वो लंबा भी हो जाता है। द पेपर सीमिंग बॉय, और वहाँ एक पेपर जैसा दिखने वाला लड़का, हाँ ये कंपेयर करा गया है विद अ पेपर, एक बॉय को विद रेड साइज, और उसकी आँख कैसी हैं जैसे चूहे की आँख कैसे होती हैं, जैसे वो हमेशा खाना ढूंढ रही हो। तो इसी तरीके से लगता है कि जो बच्चा है, वो लड़का है, उसकी आइज़, वो भूखा है, वो खाना ढूंढ रही है। द
तो मतलब ये जो आप स्टैंजा पढ़ रहे हैं ना, इसमें वो बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन की कैसे कैसे बच्चे हैं, ठीक है। एक तो उन्होंने लड़की का बताया कि उसका सर नीचे झुका हुआ है, एक उन्होंने उस लड़के का बताया जो पेपर की तरह दिख रहा है, इतना पतला है। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो कहते हैं। अब एक और लड़के के बारे में बता रहे हैं कि स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स जो अनडेवलप्ड है, पूरी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। अनलकी ईयर है वो, क्योंकि जो उसके वो ऐसा उत्तराधिकारी है जो बहुत अभागा है, और उसको क्या मिला ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कि उसको क्या मिली टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, मतलब उसकी हड्डियाँ भी सीधी नहीं है। कई लोगों को तो आप देखते हो कार मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, ज़मीन मिलते हैं, पैसा मिलता है, लेकिन इन बच्चों के पास इनके पेरेंट ने इन्हें क्या दिया, क्योंकि वो भी तो इसी जगह में पले बड़े हैं, इसी में उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उनको उनके अपने मम्मी पापा से क्या मिला, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ मिली, और उनके पापा की जो उनके पेरेंट्स की जो डिसीज हैं वो उनके अंदर आ गई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और वो ये कहता है कि एक जिसको किसी ने नोटिस नहीं करा, एक स्वीट सा यंग बच्चा जिसकी आंखों में सपने भरे हुए हैं स्क्वायरल गेम को लेकर, वो चाहता है स्क्वायरल का गेम खेलूं, ट्री में रूम बना के रहती है ना स्क्वायरल, होल बना के रहती है ट्री के अंदर, अदर देन दिस इसके भी अलावा वो और कुछ भी जानना चाहता है, क्योंकि डिम क्लास है वहाँ पे, कैसे एट द बैक ऑफ डिम क्लास, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एंटीथेसिस है, क्योंकि वो डिम क्लास से क्लैरिटी की तरफ जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, वो उस क्लोज जो एनवायरनमेंट है वहाँ से कहाँ पे जाना चाहता है, ओपननेस की खुली आसमान के नीचे जाना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। देखिए, सबसे पहले पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है इसकी पहली लाइन में है फार फार, फार वर्ड दो बार रिपीट हुआ है, तो देर इज़ अ रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस, ठीक है, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। और दूसरी लाइन में देखिए, लाइक रूटलेस वीट्स, यहाँ पे लाइक का यूज़ करते हुए कंपेयर करा गया है, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे है सिमली पोएटिक डिवाइस। अब ये देखिए, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखिए, अब इसमें और कौन सी पोएटिक डिवाइस है, देखिए पेपर सीमिंग बॉय रेड आइज, मतलब यहाँ पे इन्होंने बॉय देखा कि पेपर की सीट जितना पतला लड़का, तो ये इसमें क्या है मेटाफर, क्योंकि इन्होंने कंपेयर तो करा है पर बिना लाइक और एज यूज़ करे हुए, तो ये मेटाफर है इसमें भी, और चूहे की जैसी आँख इसमें भी मेटाफर है, क्योंकि लाइक एज सो बिना जब हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मेटाफर होता है। चलिए सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टैंजा बिगिंस, ओन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एंड डोन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ट फ्लोरी टोरस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्स एंड येट फॉर दो चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट द मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स क्रोकेप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है, सिविलाइज डोम से मतलब है कि जो जब होराइजन में जो एक डोम की शेप का जब सन निकलता है, मतलब कि सेमी सर्कल शेप का जो सन निकलता है उसको बोला गया है। सील्ड का मतलब बिल्कुल बंद, लॉक, लीड का मतलब होता है डार्क फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, केप्स मीन्स एक लार्ज जो जमीन का टुकड़ा होता है सी की कोस पे, सी के किनारे, उसके मतलब है। चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स की, जो सोर क्रीम तो आपको पता ही है जब जो क्रीम है वो खट्टी हो जाती है तो वाइट कलर की बजाय येलोइश हो जाती है, तो वो ही बोल रहे हैं कि जो यहाँ की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो वाइट नहीं है, वो येलोइश हो गई हैं, क्योंकि इसका मतलब वो मेंटेन नहीं हुई है, वो गंदी हो रखी है, भद्दी हो रखी है। डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडस एंड डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक शेक्सपियर की पेंटिंग लगी हुई है, क्योंकि जैसे चैरिटी में कुछ लोग दे देते हैं तो वहाँ पे, और वहाँ पे जो शेक्सपियर जो है, अगर आपने शेक्सपियर को देखा हो, शेक्सपियर क्या है, आगे से गंजा है अपने और पीछे उसके बाल हैं, तो उसका आधा सिर एकदम गंजा है,
तो वो कहते हैं शेक्सपियर के हेड का कंपेयर करते हैं कि जैसे एक क्लाउडलेस डॉन जब सुबह होती है और बिना बादल के सुबह होती है और होराइजन में सन निकलता है, तो वो इस तरीके के होता है जैसे कि ये शेक्सपियर का जो गंजा सिर है उससे कंपेयर कर रहे हैं। अभी बात करते हैं जो फ्लावरी मेबेल्ड और टॉयलेस वैली। टॉयलेस वैली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक वैली है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर फ्लावर्स वगैरह हैं, तो वहाँ के दिखाए हैं। वो कह रहे हैं कि इन जो ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, इनकी रीच से बिल्कुल दूर हैं। ओपन हैंडेड मैप और जो ये मैप है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड सिट वॉर, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जगह है वर्ल्ड की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, और जबकि इन बच्चों के लिए दिस विंडोज़ नोट दिस मैप, उनकी जो विंडोज़ हैं, जो उनका एक छोटा सा जो उनकी छोटी सी सराउंडिंग है, जो स्लम है, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे उनका पूरा का पूरा भविष्य एक अंधकार में है, मतलब एक धुंधला है, जहाँ से वो निकल नहीं सकते, वहीं पे रहते हैं, उसको नहीं दिखा रहा वो, उस मैप में वो पॉइंट आउट नहीं करा है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और वो बोल रहे हैं एक छोटी सी संकरी सी गली सील्ड है, बिल्कुल बंद है विद अ लीड स्काई, मतलब वो ओपन स्काई में नहीं जा सकते, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जो है उस संकरी गली की तरह है, बिल्कुल सील हो गई है। फार फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से एकदम दूर, मतलब वो नेचर को भी नहीं देख सकते। केप्स, केप्स मैंने बताया था जो कोस्टल सी के पास जो बड़ा ज़मीन का खुला टुकड़ा होता है उसको बोला है, और ना ही वो सितारों की वो चमकीली दुनिया देख सकते हैं, मतलब उनका जो लाइफ है इस स्लम में ही बंद कर रह गए, वो ही उनका छोटी सी लिमिटेड दुनिया है, उसी के बारे में जो स्पेंडर है वो हमें बता रहे हैं। अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि सेकंड स्टैंजा में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हमें देखने को मिली। चलिए सबसे पहली लाइन में देखते हैं, सोर क्रीम वॉल्स, है ना, तो सोर क्रीम जैसी वॉल्स हैं, तो इसमें मेटाफर हो गया क्योंकि कंपेयर कर रहा है बिना एस वो लगाए, मेटाफर हो गया। और फिर इन्होंने बोला है नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट आया है जहाँ पे, वहाँ पे भी मेटाफर है। क्यों मेटाफर है? क्योंकि उसने उनके जो जो उनका लिमिटेड फ्यूचर है उसको उन्होंने उससे कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग एज, सो और लाइक, तो देर इज़ अ मेटाफर पोएटिक डिवाइस, तो यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में ऐसे स्टार्ट होते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विथ सिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लीव्स एंड साइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। विक मीन्स इविल, टेम्प्टेड मीन्स परसुएड करना, इन्वोक करना किसी चीज़ को, स्लाई लिली मतलब होता है ट्रिकली, क्रैम्प्ड मीन्स कन्फाइंड, स्लैग को कहते हैं वीक, मेंडेड का मतलब है समथिंग इज रिपेयर्ड, ब्लॉट मीन्स टू मार्क विद अ पर्टिकुलर स्पॉट, डूम मीन्स डिजास्टर। चलिए अब इसका देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं वैसे तो शेक्सपियर को, ये शेक्सपियर है देखो, उन्होंने कंपेयर करा था ना एक सेमी जो सन है उससे कंपेयर करा था, तो ऐसे ही है ना, इनका सर के आधे बाल हैं आधे नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस स्टैंजा को देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं शेक्सपियर को वैसे तो सब लोग वैसे तो इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में, लेकिन इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर को क्या बताया है, जो स्पेंडर है वो क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कि निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो विक्ड है। विक्ड मतलब ही इज़ नॉट गुड एट ऑल, ही इज़ अ बैड पर्सन, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और जो यहाँ पे मैप लगा हुआ है जो चैरिटी में आया है वो भी ख़राब एग्जाम्पल है। विद सिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें सिप दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है, इनको और टैम्प्ट करते हैं, उकसाते हैं चोरी करने के लिए, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि शेक्सपियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, शेक्सपियर क्या थे,
एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो थी, रॉयल फैमिलीज़, किंग्स, जनरल्स, उनके बारे में लिखते थे। उन्होंने कभी पुअर फैमिलीज़ के बारे में, स्लम के बारे में, मतलब ऐसी लाइफ को उन्होंने डिपिक्ट ही नहीं किया। उनके लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगे रिच पीपल्स। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शेक्सपियर ने तो कभी उन्हें दिखाया ही नहीं, और ना ही ये मैप है जो उनकी लाइफ को दिखा रहा है या स्लम को दिखा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें उनकी लाइफ से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, वे प्रैक्टिकल नहीं हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और वो तो कह रहे हैं वो तो पूरी की पूरी ज़िंदगी एक ट्रिक से उनकी इसी क्रैम्प्ड होल, उनके जो छोटे छोटे घर हैं, वो छोटी सी जगह है, वहीं पे बीत जानी है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, इस अंधकार वाला जो धुंधलाहट है उससे किस में बदल जानी है उनकी ज़िंदगी, एंडलेस नाइट में, कभी ना ख़त्म होने वाली रात में। On their slag heap, the children wear skin peeped through by bones and a spectacle of steel with banded glass. और वो कहते हैं इस slag heap के ऊपर ये जो बच्चे हैं ना, उनकी जो skin है वो क्या है, वो peep कर रही है through by bones की उनकी हड्डियों में, हड्डियाँ झांक रही हैं, उनकी हड्डियाँ झांक रही हैं उनकी skin से, क्योंकि skin ही skin है, मीट तो है ही नहीं, मांस तो है ही नहीं उसके ऊपर। जो पतला आदमी होगा उसकी हड्डियाँ ऐसी तो लगेंगी जैसे उसके ऊपर ही रखी हों। तो वो कह रहे हैं कि उनकी हड्डियाँ भी बिल्कुल झांक रही हैं, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स हैं मतलब जो चश्मे पहन रखे हैं वो कैसे हैं, वो स्टील के फ्रेम के हैं, वो स्टील के फ्रेम के हैं विद बैंडेड ग्लास, और जो उनके ग्लास है ना वो भी ऐसे नहीं है कि फ्रेश हैं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के हैं, वे भी रिपेयर्ड रिसाइकल्ड ग्लास हैं जो वो पहन रहे हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। और उनकी मतलब उन्होंने जो उसको कंपेयर करा है कि उनकी जो पिटियस, जो उनकी मिजरीफुल जो लाइफ है, जो मिजरी है उसकी लाइफ में, पिटियस मिजरेबल जो कंडीशन है उसको दिखाया है। All of their time and space are foggy slum, कि उनका पूरा टाइम, उनका पूरी ज़िंदगी इस foggy slum में ही बीत जाना है। So इसलिए blot their map with slums as big as doom, इसलिए वो कहते हैं इसलिए इस मैप में मार्क करो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पॉट बनाओ जहाँ पे उनका slum भी दिखाई दे, है ना, उनका यहाँ पे स्लम भी दिखाई दे इतना बड़ा, जैसे एक डिजास्टर के रूप में इस तरीके से दिखाई दे। वो बोल रहे हैं कि इस मैप का तभी फ़ायदा है जब इसमें इनकी लाइफ को, स्लम की लाइफ को भी डिपिक्ट किया जा सके। चलिए अब इसकी जो पोएटिक डिवाइस हैं इम्पोर्टेंट जो इसमें यूज़ हुई हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसके सबसे पहले तो ये जो क्रैम्प्ड होल दिया गया है, देखिए आप ये देखिए क्रैम्प्ड होल जो दिया गया है, क्रैम्प्ड होल में मेटाफर है, ठीक है, इसमें इन्होंने कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग सो एज लाइक, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ को उन्होंने छोटे से छेद से, क्योंकि उनका लिमिटेड एनवायरमेंट, उन्हें एक फ्रेश एनवायरमेंट नहीं मिलता, वो छोटी सी जगह में ही रहते हैं, तो यहाँ पे मेटाफर है। जो आपकी क्या है, अब इसके बाद इन्होंने लाइक बॉटल्स बिट ऑन, ये यहाँ पे आपका हो गया सिमली, है ना, ये हो गया आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच, लाइक यूज़ करके यूज हुआ है, और एज बिग एज डोम यहाँ पे भी सिमली है, है ना, इन दोनों में सिमली यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज़ करके कंपेयर करा है और यहाँ पे लाइक का, और यहाँ बिना किसी चीज़ के कंपेयर करे हुए उन्होंने, बिना मतलब एज लाइक सो के कंपेयर करे हुए कंपेयर करा है, तो ये मेटाफर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं इस पोएम का, जो फोर्थ है और लास्ट भी है। चलिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books and white and green leaves open history there whose language is the sun। अब पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए, कैटाकॉम्ब्स जो होता है इसका मतलब होता है टोम, सिमेट्री, जो मतलब जो ज़मीन में गड्ढे खोदकर जो गड्ढे बना दिए जाते हैं ज़मीन में और फिर उनको ढक दिया जाता है, तो वो कैटाकॉम्ब्स है। एजोर मतलब एक डीप ब्लू। चलिए अब इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अब वो इस अभी तो हमने देखा था जो अभी तक की पोम के 3 स्टैंजास पढ़े थे, फुल ऑफ डिस्पेयर थे, मतलब एक दुख भरा हुआ था कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस स्टैंजा में वो थोड़ी सी होप दिखाते हैं। वो अपील करते हैं गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, कहते हैं कि ये मैप, दिस मैप बिकेम देयर विंडो, दीज एंड दीज विंडो दैट सेट अपॉन देयर लाइफ लाइक एटम्स, कि जो मैप है ये इनकी विंडो बन के रह जाती है और ये विंडो यहीं पे बंद हो जाती है, जैसे कि उनकी लाइफ कैटाकॉम्स में बंद हो जाती है, जैसे ग्रेव में एक डेड बॉडी को बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही इनकी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है स्लम के अंदर भी। लेकिन अब वो क्या बोलता है, वो क्या अर्ज करता है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि इनको तोड़ दो तोड़ दो, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी पॉवर्टी की, उनकी प्रॉब्लम्स की, इन रेस्ट्रिक्शंस को सबको तोड़ दो, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को नेचर दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, मेक देयर वर्ल्ड रन जोर उन गोल्ड सैंड्स, और इनको इन बच्चों को क्या दिखाओ, इनको वो सुनहरी धरती दिखाओ, उनको डीप ब्लू स्काई दिखाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो जिव्या हैं, जो उनकी टंग्स हैं, उनको चलने दो बुक्स में, मतलब उन्हें किताबें पढ़ने दो, क्योंकि एजुकेशन से ही लोग बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब इनको जो बुक्स हैं वो पढ़ाओ, बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ऊपर, और उनके लिए बुक खोल दो वाइट कलर की और ग्रीन लीव्स ओपन, मतलब उसने नेचर को बताया, एनवायरनमेंट को, कि अच्छा इन्हें एनवायरनमेंट दो, मतलब इन लोगों से जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं वो उन कह रहे हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको इस्लम से निकालने के लिए एजुकेशन दो, सो दैट वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, उनको अपॉर्चुनिटी दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, वो कहते हैं कि इन बच्चों को जिससे वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें, हिस्ट्री वही बनाते हैं जिनको सन मिलता है। सन मीन्स सन, क्योंकि उनकी ब्राइट रेज होती हैं, अच्छी वो होती है, तो वो वातावरण को बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा, अगर उनको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं, वही अपने फ्यूचर को फुलफिल करते हैं। इस स्लम से बाहर निकलने का केवल और केवल एकमात्र एक ही चीज़ है, वो क्या है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन उन्हें अच्छी मिलेगी तो वो इस स्लम से बाहर निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस एक तो ये है लाइक कैटाकॉम्स, अब तक तो आपको पता ही चल गया है, ये सिमिली है ना, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिमिली आँख बंद करके लिख देंगे, ऐसा है हमारे हाली। और ब्रेक ओ ब्रेक, देखिए ब्रेक क्या है, ये ब्रेक आया है तो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिपीटेशन है ना, ये रिपीटेशन है, आर ई पी ई टी आई टी आई ओ एन, रिपीटेशन। और ओ देखो, ओ और ओ बार बार आया है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज़ किया है, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है, ठीक है, एलिट्रेशन है यहाँ पे, ये ओ और ओ की रिपीटेशन है। और वाइट ग्रीन लीव्स जो है यहाँ पे इन्होंने मेटाफर, देख ये मेटाफर, क्योंकि उन्होंने ग्रीन लीव से सिंबलाइज किया है एनवायरनमेंट को, और वाइट से इन्होंने क्या, बुक को दिखाया है, कि जो बुक के पेजेस होते हैं वाइट, उससे उसको दिखाया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू।